जिला प्रशासन ने मसूरी देहरादून मार्ग पर अवैध अतिक्रमण पर सख्ती बरतते हुए चिन्हीकरण शुरू कर दिया है, जिसमें एसडीएम सदर, एसडीएम मसूरी के नेतृत्व में एमडीडीए, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका, राजस्व विभाग और वन विभाग व पुलिस के सहयोग से अवैध अतिक्रमण को चिन्हीकरण किया जा रहा है। जिला अधिकारी के निर्देश पर मसूरी देहरादून मार्ग पर अवैध अतिक्रमण का चिन्हीकरण शुरू किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम सदर नरेश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि कोलू खेत से लेकर कुठाल गेट तक मसूरी देहरादून रोड के किनारे अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को संयुक्त टीम बनाकर चिन्हीकरण किया जा रहा है, जिससे एमडीडीए, लोनीडी, वन विभाग, नगर पालिका, राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल किए गए हैं। मसूरी से अजीत कुमार। आज फिर से एक बारी अतिक्रमण ड्राइव शुरू हुई है। कौन कौन से विभाग इसमें जो है शामिल हैं और कहां से कहां तक इसका जो है नपाई होगी और क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें आगे? हाँ, जिलाधिकारी महोदय ने कल ही जो है एक बैठक इस संबंध में आयोजित की थी और हम लोगों को निर्देशित किया है कि इसमें चिन्हीकरण करते हुए अतिक्रमण हटाया जाए। तो इसमें दो टीमें बनी हैं, एक तो सदर एसडीएम की अध्यक्षता में है जो कि तीन पानी बैंड जो मसूरी देहरादून रोड है उससे देहरादून की तरफ काम करेंगे और एक मसूरी एसडीएम की उसमें है जो कि यहाँ से मसूरी की तरफ करेंगे। हमारे साथ जो है इसमें नगर पालिका है, एमडीडीए है और वन विभाग है, उसके बाद राजस्व विभाग की टीम है और उसमें हम लोगों ने जो सड़क की चौड़ाई है उसके मानक को देख रहे हैं कि किसी ने सड़क में इंक्रोचमेंट किया है। दूसरा, हम एमडीडीए के मानकों को देख रहे हैं कि नक्शा स्वीकृति है या नहीं है और या उसके स्वीकृति के विपरीत काम तो नहीं किया गया। तीसरा चीज़, हम नगर पालिका का यदि एरिया है तो नगर पालिका के एक्ट के अनुसार जो काम है उसको देख रहे हैं। एनएच के लोग भी हमारे साथ हैं, जहाँ एनएच की रोड है वहाँ एनएच का काम किया जाएगा और इसमें वन विभाग के भी लोग हैं, जिससे वन भूमि में अतिक्रमण है तो वन विभाग के अधिनियम के तहत अतिक्रमण हटाया जाए। सर, इसमें जैसे कि कई लोग जो है इसमें जिसमें अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उसके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई है, कितने दिन का उनको समय दिया जाएगा? हाँ, इसमें हम लोग चिन्हीकरण कर रहे हैं, चिन्हीकरण के साथ साथ जो है उनमें मार्किंग भी कर रहे हैं पेंट से, रेड पेंट से, और उसमें डिस्टेंस भी मेंशन कर रहे हैं। साथ साथ में हम लोग उनको नोटिस देने का काम करवा रहे हैं, जिस विभाग की प्रॉपर्टी पर इंक्रोचमेंट है वही नोटिस दे रहा है और उसके बाद जो है एक एक्ट में, उनके एक्ट में जितना दिन का प्रावधान है, जैसे रोड साइड कंट्रोल एक्ट में 7 दिन का है और एमडीडीए में जो है 2-3 दिन का है, तो हम जो भी जिस एक्ट में है जिसका उल्लंघन होगा उसके अनुसार दे रहे हैं और उसके बाद ध्वस्तीकरण या सील जो भी कार्रवाई हो। सर, कब तक चलेगी कार्रवाई? इसमें आगे चलती रहेगी क्योंकि अतिक्रमण तो हटाना है ही, जिलाधिकारी महोदय के यही निर्देश हैं कि अतिक्रमण हटाया जाना है तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक, आपसे कहाँ तक ये अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू की जाएगी? सर जी, ये जो मसूरी देहरादून रोड है ये कोलू खेत से कुठाल गेट से मसूरी तक सड़क के दोनों ओर जो निर्माण है उसको एक जॉइंट टीम बना के चेक कर रहे हैं कि कितना इलीगल इंक्रोचमेंट है, जिसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, एमडीडीए है, फॉरेस्ट है, राजस्व है, इन चारों और नगर पालिका है। इन पांचों विभागों के लोग सड़क के किनारे जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उनको चिन्हित करेंगे, उनको नोटिस देंगे और एक हफ्ते बाद उनको हटाने का ड्राइव स्टार्ट किया जाए, ये अभियान है। अच्छा सर, ये कब तक चलेगा ये अभियान जो है और उसके बाद क्या कार्रवाई की जाएगी इसके, जिनका जो इंक्रोचमेंट जो ज़्यादा है उनमें क्या कार्रवाई की जाएगी? जी, एक्चुअल में इंक्रोचमेंट के 2-3 चीज़ें हैं। अगर सड़क के किनारे इंक्रोचमेंट है तो पीडब्ल्यूडी इमीडिएट नोटिस देगा और जो निर्धारित अवधि है उस दिन तक नोटिस के बाद पीडब्ल्यूडी से उसको हटवाया जाता है। अगर बिना नक्शा पास कराए लोग जो मैगी पॉइंट्स बना रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो एमडीडी की परिधि में आता है तो एमडीडी उनको प्रॉपर जो उनके वहाँ सीलिंग की और डिमोलिशन की कार्रवाई होती है सेक्टर के तहत वो कार्रवाई कर रहे हैं एमडीडी। राजस्व विभाग की और वन विभाग की जमीनों पर अगर लोग अवैध रूप से बसे हुए हैं तो राजस्व विभाग उसको लेकर उसको हटवाएगा।